आदाब सामिन, एक बार फिर लौट के आया हूँ आपके लिए, आपका मेजबान ज़ैन, ओनली ऑन बिग एफएम। लम्हे विद ज़ैन, सिर्फ बिग एफएम पर। आज की कहानी आपके लिए लम्हे पे हॉस्टल वोस्टल है। जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने से कुछ पहले आसपास के मौसम में तब्दीली साफ महसूस की जा सकती है। आहना को भी आने वाली चेंज का अंदेशा पहले ही हो चुका था। सुमित और प्रिया की इकलौती बेटी आहना किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह थी। माँ बाप दोनों काम करते थे, बिजी रहते थे, पर जो टाइम आहना के साथ बिताते थे वो उसकी अच्छी परवरिश के लिए काफी था। अचानक सुमित को लगा कि उसे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। प्रिया इस बात से बहुत खुश नहीं थी। वो खुद अपनी जॉब पर ध्यान देना चाहती थी। उसे लगता था कि सुमित नए बिजनेस के साथ बिजी हो जाएगा तो आहना की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ जाएगी। वो अपने करियर के बारे में सोच रही थी, और अपने करियर के बारे में सोचना कुछ गलत तो है नहीं, पर फिर 12 साल की आहना का क्या? आहना बेटा, हॉस्टल लाइफ इज वेरी डिफरेंट। आपको नए लोग मिलेंगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे, यू नो यू विल लव इट। आपको बहुत मजा आएगा वहां पर। डैड आज भी नहीं आए ना? आहना यू नो ना बेटा, ही इज वर्किंग। अच्छा वो सब छोड़, तुमने पिक्चर्स देखे अपने हॉस्टल के? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। माउंटेन्स के बीच है तेरा हॉस्टल, और मैंने सुना है वहाँ उनकी फुटबॉल टीम भी है। ट्रस्ट मी आहना, मैं रही हूँ वहाँ, बहुत मज़ा आता है, बहुत फन होती है हॉस्टल लाइफ, और पता है आप अपना काम इंडिपेंडेंटली कर पाओगे। फिर मुझे आप दोनों की भी नीड नहीं होगी ना? आहना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड ये सब तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए है, एंड यू विल बी फाइन। यू विल बी फाइन मॉम, बिकॉज आपको अलग से टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा नानू के पास ही भेज देते। बेटा नानू इस उम्र में तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकते। मम्मा अपना ध्यान तो खुद ही रखना है ना, तो वहाँ भी रख ही लेती, अनलेस वो भी बिजी है। आहना अपने पेरेंट्स से नाराज थी। हॉस्टल को लेकर कई सवाल थे उसके दिल में, लेकिन अपनी कमजोरी को रो कर माँ को नहीं बताना चाहती थी। पापा तो पहले ही बिजी थे, पर थोड़ा वक्त जो उसे माँ के साथ मिलता था वो उसे बहुत मिस करेगी। इस थॉट के साथ उसने हॉस्टल में कदम रखा, पर हॉस्टल पहुंचते ही आहना को मिला एक सरप्राइज जिसका नाम है श्वेता। हाय, आई एम आहना। आ गई तुम? वो गई नहीं अभी तक और तुम्हें भेज दिया, बड़े अजीब लोग हैं। कौन? आप लास्ट ईयर में हो ना? हाँ मैं लिख रही हूँ उसको लेटर, आई नो मुझे वो बहुत मिस करती है। किसकी बात कर रही है आप? मैं आना, आज ही हॉस्टल ज्वाइन किया है। क्या मैं अपना सामान यहाँ रख दूँ? सब छोड़कर चली गई वो। कौन? मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अरे देख के चलना। I'm sorry। हॉस्टल में लगता है नहीं आई हो। हाँ वो 303 में। श्वेता के साथ? ओह शिट, तू तो गई। क्यों, क्या हुआ? प्रॉब्लम नहीं है, बस वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। उसकी पुरानी रूममेट मिसिंग है ना, किसी को नहीं पता। 6 महीने पहले गायब हो गई थी, बहुत ढूंढा पर कुछ नहीं हुआ। तुम्हें बताया नहीं किसी ने? कोई बात नहीं, प्रेयर आती है ना? हाँ आती है। अभी तो माँ बाप से दूर होने का स्ट्रेस भी पूरी तरह से नहीं ले पाई थी आहना कि हॉस्टल में पहुंचते ही मुसीबत गले पड़ गई। अब कल प्रिंसिपल से बात करने का डिसीजन लेकर आहना डरते डरते अपने कमरे में चली गई, कुछ ट्रैवल की थकान और कुछ प्रेयर की हिम्मत। ओम भूय भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कौन है वहाँ? कौन है? देखो देखो मैं कंप्लेन कर दूंगी। हाँ श्वेता दीदी, श्वेता दीदी कोई है यहाँ? सॉरी आना, थोड़ी सी रैगिंग तो करेंगे ना, सीनियर्स है, हक बनता है। तुम लोग बहुत मीन हो। इतनी सी जान है और 400 गांव की आवाज बसी हुई है,
कान फाड़ दिए तूने तो। अरे बेटा हम नहीं, ये दुनिया मीन है, ये तो बस एंटरटेनमेंट है। देख जब घर में नया बच्चा आता है तो उसे वैक्सीनेशन देते हैं, भले ही वो पेन में चिल्लाए, तो बस ये वैक्सीनेशन है। अब तू हमारी गैंग मेंबर हो गई है। गैंग? और कितने लोग हैं? और फिर खूब जमा रंग जब मिल बैठी हैं तीन सहेलियां, लंच का उधार हो या फिर वीकेंड्स की मस्ती, मूवीज वाला वेडनेसडे, स्कूटी राइड वाले थर्सडेज, और चुपके से चौकीदार को रिश्वत देकर लेट नाइट आउट वाले संडेज। हालांकि मॉम ने सही कहा था, लाइफ बदल जाएगी। लाइफ तो बदली, अब श्वेता आहना का इतना ध्यान रखती थी कि फैमिली की कमी महसूस ही नहीं होती थी। पर एक और बदलाव आहना की लाइफ में आने वाला था। ओए, कहाँ थी तू? लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लानी है, चल। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? और ये मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? कुछ नहीं, घर की याद आ रही है। झूठ बोलने की क्लासेस ना अलग से दूंगी तुझे, अभी सीधे सीधे बताएगी। मेरे साथ क्यों होता है श्वेता दीदी, यहाँ भेज दिया, कम था क्या? अरे बेटा क्या हो गया, बता तो सही। मामा पापा अलग हो रहे हैं। ओह, I'm sorry। इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आहाना सुन मेरी बात, कॉम्प्रोमाइज से बेहतर है कि वो खुद की पसंद से जिंदगी जिए, राइट? रोज तुझे फोन करके एक दूसरे की शिकायतें करते थे, है ना? और मेरा क्या? तुम तो खुद इतनी स्ट्रांग हो, संभल जाओगी, जैसे यहाँ संभल गई। एटलीस्ट उनको हर रोज टूटते बिखरते हुए तो नहीं देखोगी ना? वैसे भी उनको लड़ते हुए देखकर तुम खुद ठीक से रह भी नहीं पाती। एक ना एक दिन तो ये होना ही था, तुम भी जानती हो। देखो तुम पहले यहाँ आना नहीं चाहती थी, पर ये सरप्राइज जो गॉड ने दिया उसको गले लगाने के बाद तुम्हें अच्छा लगा ना? वैसे ही ये सारे सरप्राइजेस गॉड देता है, तो हंसकर गले लगा लो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है? श्वेता ने कोशिश अच्छी की पर आहना टूट रही थी। हॉस्टल और माँ से दूर श्वेता उसकी फ्रेंड और गार्डियन तो बन गई थी, पर इस खबर ने आहना को बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। आहना, कल मुझे तुम्हारे मैट्रेस के नीचे से ये दो सिगरेट मिले हैं, तुम ये सब करके पाना क्या चाहती हो? आप ही तो कहते हो अपनी लाइफ अपने टर्म पे जियो, तो अब इशू क्यों बना रहे हो? छोड़ो ना। सुनो, लाइफ अपने टर्म पर जीने का मतलब ये नहीं है कि बुरे वक्त में जो भी चीज सुकून दे उसे पकड़ लो। आज ये तुम्हें ठीक लग रहा है, कल और एक गलत चीज सही लगेगी तो करने लगोगी क्या? ये शायद आहना के अंदर पल रहे गुस्से की शुरुआत थी। श्वेता को डर था कि वो कोई बड़ी गलती ना कर बैठे। श्वेता, श्वेता बाहर निकल जल्दी, रात में 3 बजे हैं, क्या हुआ? आहना को मिस रेखी ने पकड़ लिया है एग्जाम पेपर चुराते हुए, अभी बुलाया है, जल्दी चल। मैम प्लीज, बच्ची है, बहुत स्ट्रेस में थी, और इसने पिछली बार डिस्टिंक्शन भी तो स्कोर किया था ना। सो व्हाट, ऐसे ही चीटिंग करके किया होगा? एंड श्वेता, यू द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तुम इसे सपोर्ट कर रही हो? आई कांट बिलीव दिस। अच्छा मैम, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई नो कि आप इस ईयर स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइटल अपनी नीस को जिताना चाहती हो, आप आहना को जाने दो एंड आई विल मेक श्योर दैट आई डोंट विन इट, प्लीज मैम। पर ऐसे कैसे, तुम जानती हो ना इस टाइटल को जीतने के लिए तुमने कितने साल मेहनत की है, और साथ में मिलने वाली स्कॉलरशिप वो भी चली जाएगी। मैम टैलेंट रहा तो सब मिल ही जाएगा फिर से, आप प्लीज आहना को माफ कर दो, इसे ये गलती कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। सैक्रिफाइस, इससे बड़ा सबूत नहीं दे सकती थी श्वेता कि वो आहना का कितना केयर करती थी। श्वेता ने बिल्कुल माँ की तरह फिर से जीना सिखाया, बुरे को बुरा कहा और अच्छे का साथ दिया। आज आहना को अपनी गलती के साथ ये भी महसूस हो गया कि किसी के हालात को समझकर उन्हें एक्सेप्ट कर लेना कितनी बड़ी बात होती है। आहना की गलती तो बहुत बड़ी थी, श्वेता ने अपना स्टूडेंट ऑफ द ईयर का टाइटल गवा कर उसे रस्टिकेट होने से बचा तो लिया, पर उसके हॉस्टल से चले जाने के बाद आहना का ख्याल कौन रखेगा, ये बात उसे परेशान कर रही थी। श्वेता दीदी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। दीदी आई एम सॉरी, आई नो आप मुझसे नाराज हो। अच्छा बोलो तो सही, कुछ डांट लो मुझे? नहीं बोलना कुछ, करेगी तो वही जो चाहती है। अभी कुछ दिनों में मैं घर वापस चली जाऊंगी, फिर कोई नहीं बचेगा तुझे यहाँ सही गलत बताने वाला। क्यों, आप अपने घर पे फोन नहीं यूज करोगी क्या?
और आपने अपनी स्कॉलरशिप क्यों जाने दी? गलती तो मेरी ही थी ना। गलती थी, गुनाह नहीं। मुझे पता है जो तेरे साथ हुआ अच्छा नहीं था, पर तेरे मॉम डैड की भी तो अपनी लाइफ है ना। हर बार वो अपने फैसले तुझे सोचकर नहीं लेंगे। आई नो दिस इज हार्श, पर ये सच है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कोशिश करूंगी। और आप घर जाके मुझे भूलता नहीं जाओगे ना? कोशिश करूंगी। श्वेता और हाना ने एक दूसरे को गले लगा लिया और हंसते हंसते फेयरवेल की तैयारी करने लगी। आज अहाना को लगा कि प्रिया और श्वेता ने मिलकर आधा आधा उस माँ की इमेज को पूरा कर दिया जो बरसों से उसके जहन में थी। माँ की डेफिनेशन चाहे डिक्शनरी में कुछ भी हो, ममता का मतलब अपनी मोहब्बत से कोई भी समझा सकता है। तो आपको और आपके इर्द गिर्द ये सारे ममता से भरे फिगर्स को हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम मी एंड द होल टीम ऑफ बिग FM। और ये ममता से भरी कहानी लिखी थी अर्जुमन ने। आपको कैसी लगी बताइए हर रोज की तरह हमें 9323-927-927 पे, या फिर हमें मेल कीजिए lamhewithzain@gmail.com। वहाँ भूलिएगा मत कि आप हमें अपनी कहानियाँ भी भेज सकते हैं। जो कहानी हमें अच्छी लगेगी हम सुनाएंगे ज़रूर, मेरे यानी आपके अपने मेज़बान जैन की आवाज़ में। तब तक के लिए यहाँ तो अलविदा, लेकिन आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज lamhewithzain पर। वहाँ मुलाकात होगी। अलविदा, खुदा हाफिज़।